स्वागत है दोस्तों आपका माँ कात्यायनी क्लासेस में। ये आपके लिए दूसरा वीडियो है, मैं राजीव सर आपके सामने हिंदी भाषा का दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। आइए कुछ और सीखते हैं। देखिए 14 सितंबर की जज्बात 1949 की बात, धारा 343 और था 17 इसका भाग, संविधान में जुड़ा एक अध्याय कि हिंदी राजभाषा बन जाए। पुनः देखिए दोस्तों, कहता है 14 सितंबर की जज्बात 1949 की बात, धारा 343 और था 17 इसका भाग, संविधान में जुड़ा एक अध्याय की हिंदी राजभाषा बन जाए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये काव्य रूप में आपको पढ़ाने का मतलब ये है कि आपको आसानी से चीजें समझ में आने लगे। तो आप देखेंगे 14 सितंबर सन 1949 को संविधान की धारा 343 फर्स्ट भाग 17 और अध्याय एक में हिंदी को राजभाषा या संघ की भाषा घोषित किया गया। दोस्तों ध्यान देंगे, कहता है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान की धारा 343 फर्स्ट भाग 17 और अध्याय एक में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। कहीं कहीं दोस्तों क्वेश्चन आता है राजभाषा, कहीं कहीं संघ की भाषा भी पूछता है, तो इस बात पे ध्यान देंगे। संघ की भाषा अगर पूछे तो आपको घबराना नहीं है, संघ का मतलब राज्य ही है, बात एक ही है, केवल शब्दों का परिवर्तन है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा और साथ में ये भी याद रखिएगा 14 सितंबर हमारा हिंदी दिवस है, हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। हर साल 14 सितंबर को सॉरी दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे दोस्तों हम हिंदी की उपभाषाएं और उनकी बोलियों की चर्चा करेंगे, तो आइए एक ट्रिक के माध्यम से आपको मैं बताता हूं कैसे आप ट्रिक के माध्यम से इसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे हिंदी की उपभाषाएं और उनकी बोलियां। दोस्तों हिंदी की उपभाषाएं 5 हैं और उनकी बोलियां 18 हैं। तो दोस्तों जो पहली हिंदी की उपभाषा है वो पश्चिमी हिंदी है और इसका ट्रिक है बक बाबू खड़े बाजार में। दोस्तों याद रखेंगे, कहता है बक बाबू खड़े बाजार में, ब से ब्रजभाषा दोस्तों, क से कन्नौजी, बा से बांगरू, बू से बुंदेली, ख से खड़ी बोली, खड़े से खड़ी बोली लिया गया है दोस्तों। तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां, उनके लिए ट्रिक है दोस्तों बक बाबू खड़े बाजार में। दोस्तों ब से ब्रजभाषा, क से कन्नौजी, बा से बांगरू, बू से बुंदेली, खड़े से खड़ी बोली, ये 5 बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की। साथ में दोस्तों दूसरा अगर हम देखें तो दूसरी जो उपभाषा है वह है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का जो ट्रिक है दोस्तों वो है अब छत्तीसगढ़ जाबो, अब छत्तीसगढ़ जाबो। दोस्तों आप जानते हैं पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अ से अवधी, ब से बघेली, छ से छत्तीस से छत्तीसगढ़ी। तो दोस्तों ये ट्रिक है अब छत्तीसगढ़ जाबो, आप इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से इन बोलियों को याद रख सकते हैं कि किस उपभाषा की कौन कौन सी बोलियां हैं। उसी तरह तीसरा है दोस्तों बिहारी हिंदी, और बिहारी हिंदी की जो ट्रिक है दोस्तों बड़ी मस्त ट्रिक है, और वो ट्रिक है दोस्तों भोजपुरिया में। दोस्तों आप देखते हैं बिहार में, तो ये बिहार से भोजपुरिया में इनको लाया गया है, तो बिहारी हिंदी का ट्रिक है भोजपुरिया में। बिहारी हिंदी के तहत 3 बोलियां बोली जाती हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही। दोस्तों हमारे यहाँ एक कहावत है कि जहां तक भोज में खाने को पूरी मिलती है वहां तक की भाषा भोजपुरी होती है। तो आप दोस्तों देखते हैं कि बिहार का पश्चिमी प्रांत और उत्तर प्रदेश का पूर्वी प्रांत ये भोजपुरी भाषा के क्षेत्र हैं। आइए दोस्तों आगे हम बाकी 2 बोलियों पे चर्चा करते हैं, 2 उपभाषाओं पे। तो उतने पर सही
तो हाँ दोस्तों आइए, तीन उपभाषाएं हो चुकी थी, चौथी उपभाषा है दोस्तों राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी की ट्रिक है दोस्तों, जयपुर में मामा मिले। मामा कहाँ मिले? जयपुर में। हमारे मामा जयपुर में जाके मिले, इधर खोजे बलिया में मिले नहीं, तो जाना पड़ा जयपुर। जयपुर में मामा मिले तो दोस्तों आप देखेंगे जयपुर, जयपुर से जयपुरी, मे से मेवाती, माँ से मारवाड़ी और माँ से मालवी, चार बोलियां है राजस्थानी हिंदी की। क्या? जयपुर में मामा मिले, जयपुर से जयपुरी, मे से मेवाती, माँ से मारवाड़ी, माँ से मालवी। दोस्तों जो पांचवी उपभाषा है वह है पहाड़ी हिंदी, और पहाड़ी हिंदी का ट्रिक तो दोस्तों और भी आसान है। क्या? नेकूगढ़, एक राज्य का नाम है नेकूगढ़ दोस्तों। ने से नेपाली, कु से कुमाऊनी, अगड़ से गढ़वाली। तीन उपभाषा, तीन बोलियां हैं इस उपभाषा की, पहाड़ी हिंदी की। नेकूगढ़, ने से नेपाली, कु से कुमाऊनी, अगड़ से गढ़वाली। दोस्तों साथ में ही आप देखेंगे कि आप इन पांचों, ये तो बोलियों के लिए हो गया कि पांच उपभाषाओं की 18 बोलियां कैसे याद करें ट्रिक के द्वारा, और किस उपभाषा में कौन सी बोली आती है। साथ में आप दोस्तों नीचे देखेंगे उपभाषाओं को हम कैसे याद रखें, तो दोस्तों देखिए पप्पू बिहारी राज पहाड़ी, पप्पू बिहारी। दोस्तों ये राहुल गांधी जब बिहार में आए ना, तो वहीं पर यह ट्रिक बन गया। पप्पू बिहारी बिहार में आए, उसके बाद राजस्थान गए, और देख ही रहे हैं कि राजस्थान में पप्पू के जाने से वहां कांग्रेस की सरकार बन गई दोस्तों। तो पप्पू बिहारी राज पहाड़ी। अब देखिए दोस्तों, प से पूर्वी पश्चिमी हिंदी, पू से पूर्वी हिंदी, बिहारी से बिहारी हिंदी, राज से राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी से पहाड़ी हिंदी। तो दोस्तों ये आज का क्लास यहीं पर रोका जा रहा है, अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करेंगे। साथ में दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया, यदि आपको इससे कुछ ज्ञान मिला, चीज़ें आसान लगी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।